गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मोहता कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज की तरफ से आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम उर्दू अदब के मशीहा सर सैयद अहमद खां की अदब में खिदमात के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उनकी अदबी खिदमात पर हम तज़करा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि उन्होंने सर सैयद तहरीक का इजाद किया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सर सैयद अहमद खां पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जानते हैं कि जितनी भी तहरीकें वजूद में आई उन सब में अलीगढ़ तहरीक, जिसे हम सर सैयद तहरीक के नाम से जानते हैं, ये अपना एक अलग मकाम रखती है, एक अलग अहमियत की हामिल है। और इसने अदब पर बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है। देखिए, ये तहरीक सर सैयद की मुसलसल और बेमिसाल कुर्बानी से वजूद में आई। इस तहरीक ने हारी हुई कौम, जिसे हम हमारी कौम से जान सकते हैं, मुसलमान कौम कह सकते हैं, वो कौम जो तबाही के गड्ढे में गिर चुकी थी, उस कौम को फिर से बावकार बनाने के लिए, फिर से उसे उस गड्ढे से निकालने के लिए अपनी कुर्बानी अंजाम दी और अपनी कोशिशों से कुछ हद तक, या यूँ कह लीजिए बड़ी हद तक, फिर से उस कौम को उस गड्ढे से निकाल कर और उनके मोहसिन बनकर अदब में नए कारनामों को अंजाम दिया। सर सैयद की सियासी, मजहबी, समाजी, तहजीबी और तालीमी कोशिशों के नतीजे उर्दू शेर व अदब को भी नई जहत मिली। इसी नई जहत की तबलीग व तरशील मुख्तलिफ अदबी व तहजीबी वसाइल के ज़रिए की गई। मुख्तलिफ दूसरे अवामिल यानी जो अमल थे और हालात से हम आहिंग होने के सबब इस तहरीक के असरात गालिब होते गए। देखिए, हम जानते हैं कि सर सैयद अहमद खां उर्दू अदब के मौसीहा हैं, हमारी कौम के मोहसिन तस्लीम किए जाते हैं। उन्होंने अदब को मजमून निगारी से वाबस्ता करवाया और मजमून निगारी में भी हकीकत, सच्चाई, या यूँ कह लीजिए जदीद अलूम को शामिल किया गया और जदीदियत पर बहुत ज़ोर दिया गया। अब देखिए, इसका आगाज़ कैसे होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। जब 1857 की क्रांति हुई, जो नाकाम क्रांति थी, नाकाम बगावत थी, उस बगावत के बाद में सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो हुआ मुसलमान कौम को, और इस कौम में बड़ी ही बेचैनी छा गई थी। और इस गदर के बाद में जो मुग़ल सल्तनत थी वो भी जवाल पजीर हो चुकी थी, जवाल पर पहुंच चुकी थी,
अंग्रेज़ पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर हमारे मुल्क पर काबिज हो चुके थे और इस नाकाम बगावत से ही मुसलमानों की बर्बादी का दौर शुरू हो गया, वक्त शुरू हो गया। हालांकि इस बगावत के बारे में कहा जाता है कि ये बगावत हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर मुल्क के दुश्मनों से लड़ी थी, लेकिन इसका जो सारा इल्ज़ाम था वो एक कौम मुसलमान कौम के सर आया और अंग्रेज़ों ने इस कौम पर तरह तरह के जुल्म व सितम करने शुरू कर दिए। बहुत से मुस्लिम घराने बर्बाद कर दिए गए, हज़ारों बेगुनाहों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, हज़ारों ओलमाओं को सरेआम चौराहों पर टांग दिया गया, हज़ारों की जागीरें छीन ली गईं और हज़ारों की मुलाजिमत छीन ली गई। सर सैयद ने ये पूरी तबाही, अपनी कौम की तबाही अपनी आँखों से इस मंजर को देखा तो उनका दिल तड़प उठा। वो अपनी कौम के सच्चे मोहसिन थे, इसलिए इस कौम को अपनी कौम को इस मुसीबत से नजात दिलाना चाहते थे। लिहाजा कौम को सर सैयद ने कदीम अलूम व फ़नून को तर्क करके जदीद अलूम व फ़नून से आरास्ता कराया, क्योंकि वो बाखूबी जानते थे कि अंग्रेज़ कौम का मुकाबला पुराने नज़रियात से, पुराने तरीक़ों से नहीं किया जा सकता। उनका मानना था कि हमें अंग्रेज़ों से अगर लड़ना है तो उनकी ही तहजीब को पढ़कर, उनके ही अदब को जानकर हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं। इन काविशों से सर सैयद तहरीक ने जन्म लिया और जो आगे चलकर अलीगढ़ तहरीक या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुई। तो ये पस मंज़र था अलीगढ़ तहरीक का, उसका आगाज़ व इर्तका का, कि किस तरह से अलीगढ़ तहरीक का पस मंज़र तैयार हुआ। अब देखिए, इस तहरीक से बनने से या इस तहरीक की शुरुआत होने से पहले से ही सर सैयद अहमद खां अदब में अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे थे, लेकिन बगावत का जो मंज़र था उसको देखकर उनका दिल रोने लग जाता था, उनका दिल हर दम तड़पा रहता था, तड़प में रहता था। वो चाहते थे कि जो हमारी कौम है वो नए इल्म से वाकिफ हो। वो उनका मानना ये था कि हमारी कौम के हाथ में, एक हाथ में दीनी तालीम और दूसरे हाथ में दुनियावी तालीम था, दूसरे हाथ में दुनियावी तालीम हो, या यूँ कह लीजिए वो चाहते थे कि हमारी कौम को दीन की तालीम के साथ साथ, मशरिकी तालीम के साथ साथ, हमारी तहजीब के साथ साथ दूसरे मुल्कों की तहजीब से भी आशना होना चाहिए। दूसरे ममालिक की जो अलूम है, जो फ़नून है, उनसे भी आरास्ता होना चाहिए और हमारी कौम अंग्रेज़ों से तभी मुकाबला कर सकती है जब वो अंग्रेज़ों के अलूम, उनके फ़नून, उनके तहजीब, उनके तमद्दुन, सब चीज़ के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ हो जाए। तो चलिए सर सैयद की अदबी खिदमात पर आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए,
सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले अदब को निखारा। उनकी पहली खासियत ये थी कि उन्होंने नसर निगारी में आसान नसर निगारी की रिवायत को रिवाज दिया। सर सैयद से पहले उर्दू नसर किस्सा गोई तक महदूद थी और इसका तर्ज बयां भी आम तौर पर पुरतकल्लुफ़ और बनावट का हुआ करता था। सर सैयद वो पहले नसर निगार हैं जिन्होंने कदीम अंदाजे तहरीर को तर्क किया और नया अंदाजे तहरीर ईजाद किया। इन्होंने उर्दू नसर को आसान नसर निगारी की रिवायत अता की और नसर में एक इल्मी मयार अता किया। सर सैयद ने उर्दू में जिस आसान सादा और इल्मी नसर का आगाज किया वो उन्हीं की मरहून मिन्नत थी। ख्यालात को वाजी और दलील के साथ पेश करने पर जोर दिया, यानी मुदल्लिल तहरीरें पेश की, उर्दू नसर को हर तरह के मजामीन पर कादिर कर दिया, यानी उन्होंने उर्दू नसर को दलील के साथ पेश करने के नए फन से आशना कराया। दूसरी इनकी खासियत थी शेर व अदब में सादगी और हकीकत निगारी का इस्तेमाल करना। इन्होंने शेर व अदब में सादगी और हकीकत व ख़याल की पाकीज़गी पर ज़ोर दिया, यानी हकीकत निगारी को शेर व अदब में ज़्यादा तवज्जो देने पर ज़ोर दिया। दूसरा, इन्होंने अंग्रेज़ी शोरा की तकलीद का भी मशवरा दिया, यानी कहा कि जो अंग्रेज़ी शोरा हैं उनकी तरह शायरी करें, इसी तरह यानी कि नज़्म ज़्यादा लिखें। इसी तरह उन्होंने शेर व अदब में मगरबी अलूम की पैरवी की, नसीहत की और ख़याल आरई से गुरेज का दावा किया, यानी कहा कि ख़याल आरई से बाहर निकलें। इसके बाद में तीसरा, अब हम जानेंगे कि अदब को इन्होंने क्या नई चीज़ दी। तीसरी इनकी जो अहम खासियत यह है कि उन्होंने अलीगढ़ में कॉलेज का क़याम किया। ये इनका अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम कारनामा था जो क़यामत तक कह सकते हैं, जिसको हम भुला नहीं सकते। जब तक ये दुनिया चलेगी तब तक ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी हमेशा कायम रहेगी, जिंदा जावेद रहेगी। ये इनका एक जिंदा जावेद कारनामा था। इस सिलसिले में अलीगढ़ में कॉलेज का क़याम करना सर सैयद का सबसे अहम कदम था। अपने मिशन की कामयाबी के लिए सर सैयद तालीम को सबसे बड़ा हथियार तस्लीम करते थे। उन्होंने मुसलमानों की तालीम को फ़रूग देने के लिए 4 मई 1875 ईस्वी को मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MAO कायम किया। ये कॉलेज 3 हिस्सों में मुश्तमल था, यानी जचा हुआ था। पहला अंग्रेज़ी का मदरसा था, इसमें उर्दू का मदरसा था, और तीसरा अरबी व फारसी का भी मदरसा था। 3 अलग अलग हिस्सों में चलता था ये कॉलेज। तरक्की करते करते 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में नमोदार हुआ, जो आज तालीम के मैदान में मुल्क व कौम की खिदमत कर रही है। तो ये इनका सबसे बड़ा और अहम कारनामा था कि इन्होंने अलीगढ़ में
मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को 1875 ईस्वी में कायम किया, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में तब्दील हो गया सन 1920 ईस्वी में। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं, आज ये यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखती है, अपना एक अहम किरदार रखती है। इस यूनिवर्सिटी से बहुत से उलमाए किराम, बहुत से उलमाए किराम, बहुत बड़े बड़े आलिम पढ़कर निकले और मुल्क के कोने कोने में उन्होंने अपनी इल्म के नूर को बरसाया या अपनी खिदमात को अंजाम दी है या अंजाम दिया है। तो चलिए इसके बाद में हम चर्चा करते हैं साइंटिफिक सोसाइटी पर। देखिए, सर सैयद अहमद खां की अदबी खिदमात में ये भी एक अहम खिदमात है कि उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी को कायम किया, सोसाइटी को बनाया। चलिए जानते हैं साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में कि वो क्या थी। ये एक इनका अहम कारनामा था। देखिए, सर सैयद की अदबी खिदमात का सिलसिले में एक और अहम कारनामा अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी का कायम होना माना जाता है। उन्होंने 1863 ईस्वी में सोसाइटी की बुनियाद रखी। ये सोसाइटी अंग्रेजी और दीगर जबानों की इल्मी किताबों को वर्नाक्यूलर यानी देसी जबान में तर्जमा करने के लिए कायम की गई थी। यानी जो हिंदुस्तान की देसी जबान, जिसे हम उर्दू के नाम से जानते हैं, उस जबान में हिंदुस्तान की इस सोसाइटी में जो दूसरी दीगर जबानें थी, जो इल्मी जबान किताबें थी, दूसरी दीगर जबानों की जो इल्मी किताबें थी, उनको इस सोसाइटी के तहत ट्रांसलेट किया जाता था, तर्जुमा किया जाता था। तो ये भी इनका एक अहम कारनामा है। बच्चों, इसके बाद में हम तफसील से हमारे अगले प्रोजेक्ट में सर सैयद अहमद खां के दीगर कारनामों और उनकी तशानीफ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि उन्होंने अदब में अलग अलग मौजूआत पर तशनीफ लिखी, मजहब पर लिखी, मजहब के अलावा उन्होंने तशानीफ अपनी तारीखी तशनीफ लिखी, सियासत से मुताल्लुक तशानीफ लिखी, सहाफ़ी खिदमात कह सकते हैं या सहाफ़त से मुताल्लुक तशानीफ लिखी, और इनकी उर्दू अदब पर जो इस तहरीक के असरात वाजी हुए, हम अपने अगले प्रोजेक्ट में उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है, हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे अगला टॉपिक सर सैयद अहमद खां के अहम कारनामों, उनकी अहम तशानीफ पर होगा। हम उनकी अहम तशानीफ पर चर्चा करेंगे। शुक्रिया।